तो ये जो कोरोना वायरस है ना, मोहब्बत की तरह है, आपको पता भी नहीं चलेगा और हो जाएगा। तो हेलो जी, गुड आफ्टरनून, इट्स मी जॉर्डन। शक्ल बहुत हरामी है पर शरीफ लौंडा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द डे। फ्यू डेज अगो अ फ्रेंड ऑफ माइन सी आस्क्ड मी फॉर अ फोटोग्राफ विद अ ब्लैंक पेपर ऑन माई हैंड लाइक दिस, सो शी कैन राइट ओवर हियर। अब पता नहीं, ऐसा कुछ सीन था, अभी कुछ डायरेक्ट चल रहा था उसी का। हर नेम इज रुचिका धार्मिक, पर उसकी शक्ल देख कर ऐसा लगता कि जिंदगी के सारे पाप इसी ने करे हैं। तो उसने फोटो मांगा, मैंने उसको फोटो भेजा, पर मैं वेट करने लगा कि अपलोड कब करेगी। और फिर मैं वेट करते करते सो गया। एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप आई हर्ड समथिंग बैड कि इरफान भाई नहीं रहे। उसी के जस्ट दूसरे दिन ऋषि जी भी चले गए। और फिर सोशल मीडिया में मतलब पूरा गम वाला माहौल था, इंडिया पूरा गम में डूबा था कि अच्छा आर्टिस्ट चले गए। हमारी जनरेशन बहुत खुश नसीब थी कि हम लोगों ने बहुत अच्छे आर्टिस्ट देखे हैं, मतलब जो थे वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। अब उनके जैसे कभी नहीं आएंगे, स्पेशली इरफान भाई। और कुछ दिन बाद एक और खबर आई, पर ये थोड़ी सी पर्सनल है, पर आप भी कहाँ पर आए हो, आप भी तो अपने हो, तो शेयर करना ज़रूरी है। तो मेरा एक दोस्त था, मतलब था नहीं, मतलब है अभी जिंदा, हमारा नहीं है। उस भाई को मतलब इतनी तलब थी सिगरेट की, जैसे लॉकडाउन लगा था उसने मेरे को फ़ोन लगाया कि भाई सिगरेट का जुगाड़ कैसे करेंगे, ये वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है सिगरेट के लिए। उसने तो फ़ोन लगा के ये भी बोला था कि भाई तू गांड मान ले, लेकिन सिगरेट कहीं से भी ला के दे दे, मतलब तलब देख रहे हैं भाई की। तो इस तरीके की तलब थी उसे। लॉकडाउन फंसा, सारी दुकानें बंद, कहाँ से ले ले भाई। तो सिगरेट की तलाश में भाई निकला घर से, अब ढूंढ रहा सिगरेट यहाँ वहाँ चौराहे में, लेकिन उसको रास्ते में रोक लिया पुलिस वाले ने, जो जाहिर सी बात है अच्छा काम कर रहे हैं। तो और सबने यही बोल दिया था कि भाई लॉकडाउन फंसा है, घर में रहो, सब समझा रहे, लेकिन पागल है चल दो, कितना भी मना लो माने नहीं। और रोड में खड़े खड़े पुलिस वाले अंकल भी बोर हो रहे थे, अजीब लग रहा था ना, कोई इंसान नहीं दिख रहा था। अब दिमागी वैसे ही फ्रस्ट्रेट जॉब कर करके, मतलब हमेशा इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, और सामने वो मान ही नहीं रहा, ऐसा हरामी इंसान निकल रहा। तो अंकल ने जो उसको तोड़ा है ना, दो लट पीठ में। नेशनल ज्योग्राफिक में एक शो आता रहा, दी टैबू, मतलब पता नहीं ऐसे कुछ नाम था, भूल गया हूँ। तो उसमें जो टैटूज के डिज़ाइन बनते रहे ना, मतलब जो ट्राइब्स लोग बनाते रहे, सेम वही डिज़ाइन लेके आया था भाई घर पे। और मुझे मिल गया था एक ऑप्शन फोटो पोस्ट करने का, जो मैंने उस बंदी को भेजा था, मतलब रुचिका मेरी दोस्त, जो मैंने उसको जो फोटोज़ भेजा था, वो फ़ोटो वो अपलोड नहीं कर रही थी, मैंने उसको भेज दिया था। अब वो फ़ोटो यूज़लेस लग रही थी मेरे को, तो मैंने उस फोटो को पोस्ट करा बहुत ही अच्छे कैप्शन के साथ। उसका जो वाइट वाइट वाला सीन था ना, मतलब पेपर में जो वाइट वाइट था, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे टेक्स्ट लगे, मतलब बहुत ही अच्छे टेक्स्ट लिखे थे, ये स्क्रीन पे देख लो। फिर उस फोटो का मैंने बनाया ये पोस्ट, क्योंकि अपना मीडिया इतना हरामी हो गया है कि वो फेक न्यूज़ और हेट फैला रहा है। तो सच्चाई दिखाने किसी को तो आना चाहिए ना, और अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो अगर मैंने सही करा है तो कमेंट में लिख के बता दिए, और गलत करा है तो भी कमेंट में लिख के बता दीजिए, जैसा सही लगे। जय हिंद।